स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा? ए. सुनीता विलियम्स, बी. राकेश शर्मा, सी. गोपी थोटाकुरा, डी. कल्पना चावला। आंसर सी. गोपी थोटाकुरा। एक्सप्लेनेशन: आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने। पिछले भारतीय अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। अगला प्रश्न। 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में कितना मतदान हुआ? ए. 45.32%, बी. 57.51%, सी. 62.78%, डी. 70.25%। आंसर बी. 57.51%। एक्सप्लेनेशन: लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण 20 मई 2024 को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 57.51% मतदान के साथ संपन्न हुआ। पांचवें चरण में महाराष्ट्र में 49.01% राज्य में सबसे कम मतदान हुआ। अगला प्रश्न। मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की मृत्यु हो गयी? ए. हेलीकॉप्टर दुर्घटना, बी. दिल का दौरा, सी. कार दुर्घटना, डी. हत्या। आंसर ए. हेलीकॉप्टर दुर्घटना। एक्सप्लेनेशन: 20 मई 2024 को अजरबैजान सीमा के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान सहित 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। ईरान में नए राष्ट्रपति चुने जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। नए राष्ट्रपति के चयन के लिए 28 जून को चुनाव का समय तय किया गया है। अगला प्रश्न। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए. वर्ल्ड बैंक, बी. WHO, सी. टाटा ग्रुप, डी. UNDP। आंसर डी. UNDP। एक्सप्लेनेशन: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ए. 19 मई, बी. 20 मई, सी. 21 मई, डी. 22 मई। आंसर बी. 20 मई। एक्सप्लेनेशन: हर साल 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 20 मई 2001 को मनाया गया था। साल 2001 में 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। भारत ने 1951 शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन UNHCR में भारत साल 1981 से सक्रिय है।